ग्वालवालों ने जिस समय सुना नंद महल में लाला का जन्म हुआ है, झुंड के झुंड ग्वालवाल बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करके अनेक प्रकार के उपहार सामग्रियों को लेकर के नंद महल की ओर दौड़ पड़े। नंद बाबा ग्वालवालों का स्वागत सत्कार करते हैं। गोपियों ने जिस समय ये सुना उनको ऐसा लगा नंद महल में नहीं बल्कि हमारे घर में ही लाला का जन्म हुआ। यशोदा मैया नंद बाबा से सब इतना प्रेम करते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा भी सबसे इतना प्रेम करते हैं, सबको लगता है ये हमारे ही बाबा हैं, ये हमारी ही मैया है। नंद का अर्थ है नंदयतीति नंदा, जो सबको आनंद का वितरण करे, प्रेम का वितरण करे, वो नंद। यशोदा का मतलब है यशः ददातीति यशोदा, जो सबको यश दे। आपकी कृपा से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ है। गोपियों ने सर्वप्रथम अपने अपने घरों को स्वच्छ किया, तोरण बंधनवार पताकाओं से अपने अपने घरों को अलंकृत करती हैं, स्नान करती हैं, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों को धारण करके स्वर्ण थाल में अनेक प्रकार की उपहार सामग्रियों को लेकर के नंद महल की ओर दौड़ पड़ी। नंदालयम सबलया ब्रजतीर विरेजुर व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, गोकुल नगरी की गोकुल की गलियों की अद्भुत शोभा हो रही है। जैसे समुद्र से मिलने के लिए नदियां दौड़ लगाती हैं, उसी प्रकार झुंड की झुंड गोपिकाएं नंद महल की ओर चली जा रही है। महल में जाकर के गोपियां लाला का दर्शन करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ऐसा अद्भुत बालक आज के पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। ग्वाल बाल नंद बाबा से कहने लगे, बाबा हमको भी महल के भीतर ले चलो, लाला का दर्शन करवाओ। नंद बाबा कहने लगे, किसने रोका, तुम्हारा महल है, तुम्हारा लाला है, जा करके लाला को देख करके उसे आशीर्वाद दो। ग्वाल बालों ने कहा, नहीं बाबा, आपका पूरा महल गोपियों से खचा खच भरा है, आप बड़े बूढ़े हो, आगे आगे चलोगे तो हमको रास्ता मिल जाएगा, हम भीतर तक पहुंच करके लाला का दर्शन कर सकेंगे। नंद बाबा ग्वाल बालों को साथ में ले करके महल में प्रवेश करते हैं, लेकिन आज बड़े बूढ़ों की तरफ कौन ध्यान देता है, सब अपने भगवान के दर्शन में इतना तन्मय हैं, किसी को शरीर की भी सुधि नहीं। बड़े मुश्किल से नंद बाबा महल के भीतर गए, गोपियों ने देखा ये ग्वाल बाल सब भीतर आ गए, आपस में मंत्रणा कर लिया, ये ग्वाल बाल भीतर आए हैं, इनको रस में सराबोर करना चाहिए। कड़ाहे में हल्दी और तेल को घोला और उलीचने लगी, उलीचने लगी, दूध दही घृत मक्खन का लेप करने लगे। ग्वाल बाल गोपिकाएं सब के सब गीत गाने लगे, लाला का जन्म महोत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे।